हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज़ बड़े भैया, को फाउंडर, टीचर एंड फ्रेंड एट विद्यामंदिर क्लासेस। ये एक इमरजेंसी मैसेज आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको जैसा मालूम ही है कि वर्ल्ड में एक इनविजिबल वायरस ने पूरे संसार में एक धूम मचा रखी है, और एक शायद इसका एक पॉजिटिव आस्पेक्ट यही है कि वर्ल्ड एक यूनिफाइड हो गया है और सब मिलकर इसका मुकाबला कर रहे हैं, यानी ये प्रूव हो गया है वर्ल्ड इज़ फ्लैट। दोस्तों, ये मैं कोरोना पर लेक्चर देने नहीं आया हूँ। ऐसा आपको मालूम ही है कि इस टाइम सब स्कूल बंद हैं और किसी भी कोचिंग में जाना अलाउड नहीं है, कंप्लीट लॉकडाउन है एटलीस्ट 15 अप्रैल तक। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक मैसेज भेजूँ, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम सब खत्म हो गए हैं। छोटा मोटा कोई एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो गया है, रह गया होगा, वो भी जैसे ही होगा आप उसको दे आएंगे। तो पर्पज़ ये था आज मेरे इस एड्रेस का कि आप सब में एक रेस्टलेसनेस ही जनरेट हो गई है कि एज टू व्हेन विल आवर क्लासेस विल स्टार्ट इन विद्यामंदिर क्लासेस। देखो मेरे दोस्तों, पहले भी जब ये आपने जब कोर्स ज्वाइन किया था, कुछ लोगों ने अक्टूबर में ज्वाइन किया, दिसंबर में ज्वाइन किया, जनवरी वगैरह में, जब भी कभी आपने किया होगा, जो हमारे पास बच्चे 10 से 9 से पढ़ रहे थे, जो 11th में मूव कर रहे हैं, उन सबको ये क्लियर ही था कि जो क्लासेस हैं आपकी क्या है, सब 15 अप्रैल के आसपास ही शुरू होंगी। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। कारण क्या है कि इस टाइम इंडिया में जब भी कभी क्राइसिस आता है, दो टाइप की चीज़ें होती हैं। क्राइसिस में क्या होता है, एक तो होता है इट्स ए टाइम ऑफ ग्रेट लर्निंग। अब World War I देखो, World War II देखो, सारी साइंस की इन्वेंशन हुई, या जब भी कभी मार्केट डाउन गया, जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं वो समझेंगे आगे जाके, तो उसके बाद जो वर्ल्ड ना दोबारा बन के आया और बहुत क्रिएटिव डायमेंशन में आया, तरक्की हुई। तो अब इस टाइम भी क्या होता है कि जो थॉट्स में एनर्जी बहुत ज़्यादा जाती है हमारी, हर टाइम सोचते रहते हैं कोरोना कोरोना कोरोना, डैशबोर्ड बना दिए हैं वर्ल्ड का, हर कंट्री का बना दिया है, पेरेंट्स घर पे हैं, हम सबकी इतनी हैबिट भी नहीं है कि एक फैमिली के साथ बंद कमरों में रहने की। तो क्या हो रहा है, सब रेस्टलेस हैं। बड़े लोग अपने लेवल पर रेस्टलेस हैं, आपका छोटा भाई या छोटी बहन है अपने लेवल पर रेस्टलेस है, मम्मी अपने लेवल पर, और आपकी अलग है, क्योंकि आपके लिए क्या है, बड़ा कैरियर का मोड़ ऐसा है, डायमेंशन ऐसा है कि कैरियर डिसाइड होना है आपको। आपने एक इश्यूज चूज़ की थी विद्या मंदिर, बड़े फेथ से चूज़ की थी आपने, आपने अक्टूबर तक में पैसे जमा करा दिए थे, तो आपको अपने फेथ को ना थोड़ा सा उस पर फेथ रखना है। आप समझे, अपने फेथ फेथ रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि एक लर्निंग का टाइम भी है, ग्रेट इन्वेंशन का टाइम भी है, क्वालिटी का टाइम भी है। तो कुछ यहाँ पे क्या है कि भी जो लोग थोड़े से नेगेटिव माइंड वाले लोग हैं तो वो इसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। जैसे मेरे दोस्त हैं डॉक्टर्स, हुए बात हो रही थी उनसे कि जो एक डॉक्टर का पूरा एक वो जो उनका ड्रेस होता है, आपने देखा होगा चाइनीज वीडियो में दिखाया जाता है अप टू डाउन, वो मात्र 1000 रुपये या 2000 रुपये का आता था, और आज वो 10000 रुपये का बेच रहा है। कौन से, जो भी कंपनीज हैं वगैरह। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ड्रिवन इंडस्ट्री भी होती है, तो इसी तरह से कोचिंग इंडस्ट्री भी है, इसी तरह से पॉलिटिक्स भी है। ठीक है, मैं तो बहुत ही फ्रेंक आदमी हूँ। तो यहाँ एक मशरूमिंग सी होगी ऑनलाइन कोर्स की, जिस वजह से पैनिक हो गया। तो आप पैनिक ना हो, मेरी पेरेंट्स से भी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चों को इधर उधर की सजेशंस ना दें। जब आपने एक फिलॉसफी में वीएम की फेथ रखा था, उसी को रखें, ठीक है, और हमारी बात पे थोड़ा विश्वास रखें। हमने प्लान बनाया आपके सामने कि हम भी ऑनलाइन कोर्सेज अपने बच्चों के लिए, जिन्होंने फिजिकल के लिए किया था, क्योंकि फिजिकल क्लास पॉसिबल नहीं हो रही है, तो ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे हम आपका 6 अप्रैल से। और हम नियरली 3 decades से भी ज़्यादा, 33 years का एक्सपीरियंस है मेरा, मेरे श्यामन भैया, मनमोहन भैया का, और हमारी पूरी लर्नर टीम का जो बहुत डेडिकेटेड है, ठीक है जी, उनको इतना टीचिंग एक्सपीरियंस है, वी हैव बीन डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल इन आपका फिजिकल कोर्सेज। तो हम ऑनलाइन क्लासेस को भी अपने कुछ बच्चों के लिए हमेशा कंडक्ट करते रहे हैं 1-2 साल से, ठीक है, एज ए प्रैक्टिस। तो हम आपके 6 अप्रैल से आपका ऑनलाइन कोर्स शुरू करेंगे। तो पहले शुरू हो रहा है, यूजुअली फिजिकल क्लासेस 15 अप्रैल से शुरू होनी थी, ये 6 से शुरू हो रहे हैं। तो हम उसके अंदर बिल्कुल फिजिकल क्लास की तरह ही इस कोर्स को रन करेंगे, तो आपको विश्वास होना चाहिए। और बड़ी जबरदस्त चीज करने वाले हैं हम। क्या हम जैसे अपने फिजिकल कोर्स में क्या बोलते हैं कि आपको मॉड्यूल दे देते हैं, आप उसको पढ़ के आए, जिस बच्चे ने एडमिशन लिया होगा हमारे यहाँ अब तक, उन सबके पास मॉड्यूल होगा विद्या मंदिर का, पहला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, विद अलोंग विद सॉल्यूशंस एंड ए स्पेशल बुकलेट कॉल्ड एज वर्क बुक प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम क्या कहते हैं टीचर क्लास में, हमारे ये कहते हैं कि बेटा एक बार चैप्टर को पढ़ के आओ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फिर जाके हम पढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम आपके अकाउंट में पहले हमने 11th के जो शुरू की फर्स्ट मॉड्यूल है उसके सब लेक्चर रिकॉर्ड कर रखे हैं,
और उन लेक्चरों को आपके अकाउंट में पहले डाल देंगे, तो आप उस लेक्चर को घर में पहले सुन के आएंगे और फिर आके उसको लाइव क्लास को अटेंड करेंगे। तो ये एक डबल एज वेपन की तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग को मतलब एक्सप्लोर करेगा। उसके अलावा जब लेक्चर हो जाएगा, कोई डाउट वगैरह होगा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों भरोसा रखो, पैनिक नहीं हो, मैं फिर कह रहा हूँ, इट इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट लर्निंग एंड इज अ टाइम ऑफ न्यू एडिंग न्यू डायमेंशन टू द लाइफ। न्यू डायमेंशन क्या है कि फिजिकल के साथ साथ प्लग इन करेंगे आपका ऑनलाइन कोर्स, तो आपको किसी तरह से भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। प्लीज़ 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 मानो मेरी बात को, ठीक है। मैं एज ए बड़े भैया हेड ऑफ द फैमिली आपको एड्रेस कर रहा हूँ, और पेरेंट्स आपको विश्वास दिला रहा हूँ, हम कभी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं अपने मतलब बच्चों को, क्योंकि हमारे लिए बच्चा कोई एक स्टूडेंट ऐसे नहीं है कि कंज्यूमर नहीं है। हमारे लिए क्या है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट विद्या मंदिर इज ए पार्ट ऑफ द फैमिली, तो इसलिए हम बहुत मतलब उस फीलिंग से मतलब मैं आपके सामने मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप इनको समझें, आप पैनिक ना हो, कोई परेशानी होगी वंस लेट अस स्टार्ट द कोर्स, इनफैक्ट आप चिंता ना करें, मेरे ख्याल मोस्ट प्रोबली 1st या 2nd अप्रैल को ये आपके अकाउंट में हम पूरा एक डिटेल जो है 15 दिन का प्लान आपको शेयर कर देंगे लेक्चर्स का, और हमने पढ़ाई पूरी कर रखी है। अगर ये ईश्वर की प्रार्थना है कि ये लॉकडाउन खुल जाए, वायरस कंट्रोल में आ जाए, अगर खुदा ना खास्ता 1% ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा तो हम 1 महीने का प्लान बनाएंगे और हमने पूरी प्लानिंग बना रखी है। तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो, पैनिक ना हो, प्लीज़ सारा पैनिक है, पैनिक जो होता है ना वो आदमी को बिल्कुल ख़राब कर देता है। और ध्यान रखें, जो मेरा एक फ्रेंडली सजेशन है कि क्या होता है जब ब्रेन में एनर्जी जाती है तो हमारी फिजिकल बॉडी थोड़ी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए आप समझो कि जो ओल्ड एज लोग हैं कोरोना से डाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो भी सोच विचार कर रहे हैं। तो जब ब्रेन में एनर्जी जाती है, फिजिकल बॉडी कमज़ोर हो जाती है, तो बाहर का जो संक्रमण होता है, जो इन्फेक्शन होती है, हमारी बॉडी में घुस जाता है। अभी यंग बच्चे के माइंड में क्या है, इम्यूनिटी इसकी स्ट्रांग है, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होना हो, उसके माइंड में स्प्लिट आना शुरू हो जाएगा, मेरे कैरियर का क्या होगा। तो इसलिए क्या होता है कि पैनिक नहीं होना, और मेरा आप सब नए मेंबर होने वाले हैं विद्या मंदिर के, हम विद्या मंदिर हमेशा कहते हैं कि जिस तरह से हमारे इंडिया में राजपूत होता है हु डजन फियर डेथ, इसी तरह से VMCN जो होता है हु डजन फियर एनीथिंग इन द लाइफ, वो सिर्फ फोकस करके पढ़ाई पे ध्यान देता है। तो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मैसेज, ठीक है। इन केस देर इज ए कन्फ्यूजन, कॉन्टेक्ट योर सेंटर्स, राइट मेल्स टू अस, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट, चीयर्स।